हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रीन लव में। दोस्तों, आज मैं जैपनीज टेक्निक से जो प्लांटर होते हैं ना, उनको कोकेडामा बोलते हैं, वो मैं आज बनाऊंगी। तो कैसे बनाती हूँ और क्या क्या ज़रूरी है उसके लिए, मैंने मिनिमम सामान लिया है। ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है कि हमें ये ही चाहिए। मोस से भी बनाया जाता है वो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ यूज नहीं किया है। कोकोपीट और जो गार्डन सोयल है वो मैंने 50-50 लिया बस, और उसको इतना गीला कर लिया है कि उसको हम टाइटली निचोड़े तो उसमें से कुछ ना निकले। और मिट्टी इसलिए ली है क्योंकि कोकोपीट बिखर जाती है, जैसे ज़मीन पे मैंने ये गोला बना के रखा ना, तो ऐसे नहीं बनता, उसमें बिखर जाएगी रखते ही। तो बाइंड करने के लिए मैंने मिट्टी का यूज किया है, गार्डन सोयल 50% और 50% कोकोपीट। तो सबसे पहले उसका बिल्कुल ऐसे दबा दबा के लड्डू सा बना लेना है। और जो भी आपने प्लांट लेना है, मतलब अगर आपने शेड वाला लेना है या फिर धूप वाला लेना है, वो आपकी इच्छा है। उसको अच्छे से बीच में दबा के, मैंने तो कटिंग ली है इसकी स्वीट पोटैटो वाइन की, और एक मैंने बनाया है जेट प्लांट का, उसके मैंने रूट्स बकायदा थी उसकी, वो मैंने बना के रखा हुआ है, वो मैंने इससे पहले बनाया था, वो देखना आप। तो उसके मैंने रूट्स दबा दी इसमें ताकि दिखाई ना दे, मतलब एक सैंडविच की तरह प्लांट को ऐसे कर दिया। और मेरा कोकेडामा थोड़ा छोटा ही बनेगा क्योंकि मेरे हाथ है ना थोड़े छोटे हैं साइज, तो इसलिए आपको छोटा ही कोकेडामा दिखाई देगा, ज़्यादा बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से दोनों गोले मैंने दबा दबा के प्रेस करके अच्छे से राउंड कर लिए ताकि इसमें से बिखरे ना कुछ भी। और जो ये कैप वो पहनते हैं ना, शेफ पहनते हैं या किसी भी खाने वाली उस पे जाओ तो वहाँ पे बंदों ने पहने होते हैं जो किचन में होते हैं, वो मैंने यूज किया है इसको कवर करने के लिए। तो अभी मैं ये लगा ही रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ छोटे हैं, थोड़ा सा भी बाहर होता है वो मटेरियल निकल के गिर जाता है। फिर इसको हम जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और अगर आपको ये लगता है कि मेरा पहले का यूज किया हुआ जो कपड़ा है या जो जूट है जो हम यूज करेंगे अब इसके ऊपर, अगर वो, देखो हर चीज़ की लाइफ होती है, वो पुरानी होके ख़त्म होती है, डिकम्पोज होती ही है, तो उसके लिए क्या है, उसके ऊपर हम दोबारा से फिर कोई एक स्टफ यूज करके उसको फिर थ्रेड से टाई कर देंगे अच्छे से, तो वो रिपेयर हो जाएगा दोबारा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार जो लगा दिया आपने जूट है या कुछ और है वो हम दोबारा फिर उसको, ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम फिर से रिपेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने मॉस यूज करनी है तो मॉस, अब इसके ऊपर का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मॉस का होगा। अगर आप मॉस यूज करना चाहते हैं तो मॉस यहाँ पर यूज हो सकती है। जितना आप ज़्यादा प्रेस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये देखिए, अब ये मैंने ये कैप सी है ना, एक तरह से शावर कैप होती है ये, वो क्योंकि ये इसका भी बहुत पतली होती है, ये इसको अच्छे से इसमें रैप करके और दोबारा से मैंने इसको फिर से प्रेस किया है, ये देखिए, ताकि बिल्कुल भी जैसे इसके साथ चिपक जाए, ये बिल्कुल इसकी शेप में आ जाए कपड़ा इसके। आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, कोई भी कपड़ा यूज करके उसको डेकोरेट कर सकते हैं ऊपर से, जैसे थ्रेड के साथ टाई करने के बाद उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, मिरर लगा के या स्टार्स लगा के, कैसे भी आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर डालने के बाद भी मैंने इसको काफ़ी प्रेस किया है ताकि जुड़ा रहे ये आपस में मटेरियल। और अब ये जैपनीज टेक्निक है,
इससे क्या है, अगर आपके पास स्पेस नहीं है ना, जैसे कई फ्लैटों में लोग, मेट्रो सिटी में फ्लैटों में लोग रहते हैं ज़्यादातर, तो उनके पास बालकनी बहुत छोटी छोटी होती हैं, या सिर्फ बालकनी ही होती है, गार्डनिंग का शौक रखते हैं, तो उसमें ये भी एक DIY हो जाता है कि आप इस तरह से भी बना के आप टांग सकते हैं, हैंग कर सकते हैं अपने बालकनी में, ना तो वो नीचे स्पेस लेगा और आपके बालकनी में ग्रीनरी भी बनी रहेगी। तो एक ये आइडिया है, आपके अपने बालकनी में DIY लगा सकते हैं ऐसे करके, और अपने शौक को पूरा कर सकते हो। ये देखिए, अब मैं इस थ्रेड से, आप कोई भी थ्रेड ले सकते हो, सूतली आते हैं ना वो भी ले सकते हैं, या मोटा धागा आता है वो भी ले सकते हैं, वूल आती है वो भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बस इसको ज़रूरत है अच्छे से टाई करने की। एक तरह का डिजाइन सा बन जाएगा ये, घुमा घुमा के इसको, और पूरा मैं दिखाऊंगी तो आपको फिर ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसको मैं पहले रैप कर लेती हूँ अच्छे से। पहले मैंने ये रील आती है ना जो टेलर के पास होती है, उससे किया है, और उसके बाद मैं इसको मोटे धागे से करूँगी। अब मैं इसको मोटे धागे से करूँगी, ये देखो जो मोटा धागा आपको दिखाई देगा वाइट कलर का, और इसी से ही मैं इसको हैंग कर दूँगी नोट लगा के इसकी गर्दन पे। ये देखिए मैंने नोट लगा दी है, नोट लगा दी ना, अब इससे मैं इसकी एक नोट और लगा दूंगी ताकि ये हैंग करने के काम आ सके, लास्ट वाला जो धागा है वो। ये देखिए अच्छे से इसकी नोट लगा दूंगी ताकि ये हैंग हो तो खुले ना, क्योंकि सारा प्रेशर नीचे आएगा मिट्टी और कोकोपीट का। ये देखिए ये अपना हम बन के तैयार हो गया कोकेडामा। ये एक तरीका है अपने घर में ग्रीनरी करने का, ना जिसमें आपको ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत है ना ही किसी पॉट की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा ऐसा आइडिया हो जो कि आपके ग्रीनरी में चार चांद लगा दे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये देखिए मेरा दूसरा कोकेडामा है जो मैंने जेट प्लांट में लगाया है, इसमें मैंने प्लास्टिक की रस्सी से इसको किया है ताकि उससे हैंग हो जाए, ये वो बांध दिया मैंने। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और ये कैसे वॉटरिंग करनी ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। ओके, गुड बाय।